फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। तो हो चुके यहाँ पे मेरी आज मॉर्निंग की स्टार्ट, और मॉर्निंग की आज स्टार्ट होते ही सुबह सुबह मैंने आज जल्दी नहा धो के कर दिए अपने सारे घर के काम, क्योंकि आज है हमारा उत्तराखंड का बहुत फेमस एक त्यौहार हरेला जिसे बोलते हैं, जिसमें पकवान बनते हैं, हरे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो पकवान मैंने बना के रेडी कर दिए हैं, तो सबसे पहले जो मेरे पकवान बने हैं वो मैं चढ़ाऊंगी भगवान को और आमा बुबू को अपने। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे दिनचर्या में क्या क्या है आज मेरा। तो आज जल्दी उठो और अपने काम जल्दी निपटाते हैं। तो चलिए आगे की चीज़ें आपको दिखाती हूँ अपने साथ, तो चलते हैं। देखिए सुबह सुबह ना देखो एक कान खड़ा करके छोएंगे, इसमें पूरी ये पटखाट जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, पटखाट नहीं इसको कुछ और बोलता है, मुझे भी अच्छे से वो नहीं है कि क्या बोलता है, पर इसमें काट काट के इसके फीतों को काट काट के थोड़ी देर में खुद ही नीचे गिर जाने वाला है। क्यों नहीं सुल्तान क्यों काटती है। मेरी तीन प्लेटें लग चुकी हैं, एक आमा बुबू के लिए, एक ऊपर भगवान जी के लिए मंदिर के लिए, और एक बाहर रखूंगी जो मेरे पशु पक्षी आएंगे वो खाएंगे उनके लिए। तो पूरी मैंने यहाँ पे सेट करके रख दी है। ये बनी है यहाँ पे मेरी खीर, और यहाँ पे मैंने बना रखे आलू के गुटके। तो ये तीनों चीज़ें रखूंगी मैं इन तीनों प्लेटों पे, और उसके बाद देके आऊँगी सारी जगहों पे, क्योंकि जो मिला है इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है, तो यार ऊपर पक्षियों को भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्लेट मैं उनके लिए भी रखूँगी आज। और मेरा ससुराल में मेरा पहला हरेले का कोई त्यौहार ऐसा है जिसे मैंने बनाया है, और यार मम्मी को बड़ा मिस कर रही हूँ, मम्मी नहीं आज, अगर मम्मी होती तो शायद और भी बहुत सारी पकवान बनते आज हमारे घर में, बट अभी इतना ही बनाया मैंने आज सबेरे। तो चलिए देते हैं, अब रख दिए हैं आमा बुबू के लिए और ऊपर भगवान जी को चढ़ा के आ गई हूँ, और ये है प्लेट जो रखी है पक्षियों के लिए, और मेरे ये बाबू भी अभी भूखे हैं, इनको भी खाना देना है यार मैंने। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ी छाया में, तो यहाँ पे खा के चले जाएंगे, क्योंकि इसी पेड़ में पक्षी रहते हैं ज़्यादातर, तो मैंने इसी के नीचे रख दिया है। लग गई है ध्रुव और मेरी थाली, तो पहले अपना भी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर करते हैं बाकी के काम। चलो उनको कर हरेले का जो तैयार है वो बना के मैं हो गई हूँ फ्री, और मुझे मेरे जो बच्चे थे एथिना रोवा के बच्चे, उन्होंने फिर से गंदा कर दिया था, तो मुझे यार आज फिर से नहा के दोबारे कपड़े चेंज करने पड़े। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में और दिखाती हूँ कि आज दिन के लंच में क्या बना रही हूँ। आज दिन के लंच में बहुत हल्का बना रही हूँ, क्योंकि अभी पूरी खीर और आलू खाए हैं, तो इतना ही खाने का मन नहीं है, तो कुछ लाइट सा बनाती हूँ। तो दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ करके आज। खीर आलू प्याज काट के रख दिया है, तो मैं बनाऊंगी आज सिंपल पुलाव, और उसके साथ बनाती हूँ टमाटर की चटनी, अगर लाइट आती है तो टमाटर की चटनी या कुछ ऐसा, और दही है घर की जमी हुई। तो आज है हमारा नॉर्मल लंच डे। ये मेरे टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया की चटनी। तो यहाँ पे बन चुका है मामी का पुलाव, सैलेड, कल रात की सब्जी, और ये भाप आ गई इसमें, सॉरी, और ये है दही चटनी पुलाव, ये है सबका, ये मेरा, ये नाना जी का। यहाँ पे ध्रुव बना के लेके आ गया आज मेरे लिए मस्त वाली चाय, और चाय वाकई में बहुत अच्छी बनाते हैं, बिल्कुल अदरक और इलायची ठोक के अच्छी चाय बनाता है। मुझे इसके हाथ की चाय ना, जब से इसने बनानी शुरू करी तो मुझे इसके हाथ की चाय अच्छी लगती है। जो गर्मी का एक एहसास है ना, वो आप मेरी शक्ल से लगा सकते हो कि ये मेरे को मुँह नहीं धोया, मेरे को मुझे हो रखा है पसीना इतना ज़्यादा, और क्यों हो रखा है, क्योंकि यार आज मैंने ऊपर वाले घर में काफ़ी टाइम से, एक या दो दिन हो गए थे, झाड़ू पोछा नहीं लगाया था, और मंदिर साफ़ करना था, तो सवेरे बहुत धूप हो गई थी, तो सवेरे आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं शाम को कर रही हूँ मंदिर की सफाई। वो मूर्तियाँ हैं वो साफ़ करके रख दी है, ये वाला भगवान जी का आसन साफ़ करके रख दिया है, अब थोड़ी देर में मंदिर के बर्तन वर्तन धोती हूँ, फिर उसके बाद सारा चीज़ें यहाँ से सामान वामान समेटती हूँ अच्छे से, और ये इस वाले फ्लोर पे मैंने लगाया है अभी झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते कैन यू बिलीव इट, इतनी गर्मी यार, इतना पसीना कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को।
और आज काफ़ी टाइम के बाद हमने मैंने धो रखा है ये वाला फ्लोर जो कि काफ़ी अच्छा है। और आज शाम को मैं यहीं बैठने आऊँगी क्योंकि यहाँ पे जो हवा चल रही है ना बड़ी मस्त हवा चल रही है। हरेले का त्यौहार था तो मैं मायके नहीं जा पाई थी, तो इसलिए मम्मी और ये इंसान को तो आप पहचानते ही हो गए, द ग्रे बॉय, ग्रे बॉय रख देती हूँ मैं तेरा नाम। तो मम्मी और मानस आ रखे हैं, तो अब चाय और थोड़े से बिस्किट, उसके बाद दिखाऊंगी मम्मी मेरे लिए क्या पका के लेके आ रखे हैं वहां से। स्लाइस्ड केक, अ स्लाइस्ड केक। आज सबको पता था कि आज हरेला है, तो मतलब जो लड़की का जो पहला हरेला होता है और काला महीना भी जिसमें बोलते हैं, तो वो उसमें लड़की जाती है अपने मायके। तो यार अभी मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं अपने घर जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरी जो सासू माँ है उनका ऑपरेशन होने वाला है तो वो हॉस्पिटल में है, तो ऐसे में मुझे घर का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। तो मैं आज मतलब बड़ी खुश भी हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ना मेरे लिए जो भी त्यौहार होता है हरेले का वो सब यहीं पे बना के लेके आ गए हैं। तो यार उनकी जो मेहनत, गर्मी इतनी है और उनकी जो मेहनत है और उनके जो एफर्ट्स है ना, मतलब कि मेरे लिए जो पकवान बना के लेके आए हैं तो दिखाती हूँ। और मेरे मम्मी पापा को ना बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटी जब पूरी या फिर ऐसी बटकू जो हमारे उसमें जर्नली पहाड़ियों में बनते हैं वो चीज़ें नहीं खाती है, तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे पापा मम्मी मेरे लिए क्या भेज रखा है। और आज मेरा दिल इतना खुश हो गया, मतलब ना मतलब खाया नहीं है लेकिन स्टिल मेरे को मतलब अंदर से इतनी खुशी हो गई है, तो दिखाती हूँ आपको। पापा ने भेजी है इडलियाँ बना के, और यार मतलब मेरे पापा ना यार क्या पता हो यार, मतलब दिल छू लेते हैं ना यही इसी बातों में तो। और मम्मी ने जैसे अपने हाथ की स्पेशल खीर बनाई है, ये जो मेरी पिथौरागढ़ वाली मौसी है उन्होंने, मानस आया था तो उन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाल के यार यहाँ पे मेरे लिए मेथी के थेपले भेजे हैं कि जमाई को बहुत अच्छे लगते हैं करके। और मेरे पापा की जो स्पेशलिटी है ये सांभर की, जो कि मुझे उनके हाथ का बहुत पसंद है, मतलब मुझे मार्केट से भी अच्छा सांभर अपने पापा के हाथ का लगता है सांबर। और यार ये इडलियाँ, यार क्या बोलूँ यार, मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए, तो ये थैंक यू वर्ड तो उनके लिए बहुत छोटा हो जाता है। और ये कुछ जूस और बादाम, और ये पता नहीं मम्मी मेरे लिए शायद गिफ्ट में ये ट्रे लेके आ रखी है। तो आज का डिनर है हमारा ये। मेरा जो मंदिर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जब मंदिर साफ़ होता है भी मुझे यहाँ पे मंदिर के जो बर्तन हैं वो धोने हैं। तो थोड़ा सा डिले हुआ ही काम में क्योंकि मम्मी आ गए थे, तो फिर मम्मी लोग के साथ बैठ गई थी, तो अभी ये बर्तन धोने हैं मुझे इनके। और यहाँ पे आज मंदिर मेरा हो गया बिल्कुल साफ, कर दिए हैं सारे बर्तनों को साफ। तो पिताम्बरी से यार मेरे से तो जितनी हो पाई मैंने उतने साफ करे, और अब थोड़ी बहुत कसर मेरे दिए में रह गई है, बट ये भी थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी तो हो जाएंगे। आज हाथों ने जवाब दे दिया था कि बस इतना ही हो पाएगा। और यहाँ पे लग गया ध्रुव और मेरा रात का डिनर विद थेपलों के साथ। नाना जी इस सांभर के लिए थैंक यू, बहुत मस्त हो रहा है, मैंने थोड़ा चख के देखा और आपने भिजवाया, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है सांभर आपके हाथ का। ध्रुव करने लग गया है खीर की टेस्टिंग और पूरा डोंगा ही लेके बैठ गया है, क्योंकि बनाई है नानी ने खीर, और खीर और ये ऐसी बिल्कुल मैंने आज तक कहीं खाई नहीं है ऐसी खीर। नानी थैंक यू, और नाना जी के इडली और सांभर का तो फैन ही हो गया हूँ मैं। आज मम्मी ने खीर बनाई थी क्योंकि मैं मम्मी के हाथ की खीर पहचान गई हूँ कि ये मम्मी ने बनाई है, क्योंकि नारियल वारियल डाल डूल के मम्मी बनाती है ऐसी गाढ़ी गाढ़ी खीर। और पापा ने बनाई है इडली सांभर, पापा का भी एक अलग सा टेस्ट था इडली सांभर में, मैं तो फैन हो गया हूँ। और खीर में मम्मी का हाथ बिल्कुल मतलब कोई नहीं पीछे कर सकता। तो यार आज तो मेरे माता पिता ने यार क्या ही बोलूँ, वर्ड भी नहीं है उनके लिए कैसे थैंक यू बोलूँ करके, लेकिन इतने एफर्ट्स और इतनी गर्मी में इतना खाना बना के लेके आए हैं, तो यार यही बहुत अच्छी चीज़ है। और ये पता होना कि यार बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो मेरे मम्मी पापा को पता है कि जैसे कि लिए आज मम्मी और पापा का भेजा हुआ हमने डिनर, तो आज मुझे डिनर में कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ पापा के लिए आज रोटी बनाई थी, और बाकी मौसी पापा ने मम्मी ने जितना जो भेजा था वही हमने खाया है। तो यार मतलब माँ बाप को ना पता होता है कि उनके बच्चों को क्या पसंद है। वैसे हमारे यहाँ जब ऐसा त्यौहार होता है कोई, तो उसमें जनरली बटकू, मांस की पूरियाँ या फिर पूरियाँ ये सारी चीज़ें बनती हैं, बट मेरे माँ बाप को पता है कि मैं वो चीज़ें कम खाती हूँ, मतलब खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो साउथ इंडियन बहुत फेवरेट है, मैं घर पे भी होती थी तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरा साउथ इंडियन बन जाता था।
तो पापा ने मेरे लिए भेज दिए आज इडली सांभर जो मैं खाती हूँ। तो यार मतलब बड़ा मज़ा आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना कभी कभी, तो बिल्कुल इमोशनल कर देते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा पाई तो उन्होंने खुद ही यहाँ पे इतना सारा सामान लेके भेज दिया है मम्मी को। और मम्मी भी मतलब एफर्टलेसली हमेशा ऐसे चीज़ों में पहुँच जाती हैं। तो यार अपने माँ बाप को क्या बोलूँगी अब, थैंक यू तो मेरे लिए बहुत छोटा शब्द है कि थैंक यू बोल के, तो ऐसा कुछ शर्मिंदा भी नहीं करूँगी मैं थैंक यू बोल के, क्योंकि माँ बाप है मेरे, तो थैंक यू तो क्या बोलूँगी, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। बट यार ये वाला प्यार ना ऐसे ही रखना हमेशा, तो मज़ा आता है। और मेरी पिथौरागढ़ वाली मौसी, तो मैं क्या बोलूँ, थेपले तो मौसी ने भेजे हैं जमाई के लिए, बट मौसी यार जमाई ने नहीं खाए आज तुम्हारे थेपले, आज खाए हैं मैंने थेपले, क्योंकि मौसी ने ये मुझे पता है जमाई जी के लिए ही भेजे होंगे, मेरे को 101% श्योर है। तो वीडियो के उससे मैं बता देती हूँ कि जमाई गए हैं आज मम्मी को लेके हॉस्पिटल, तो जमाई ने नहीं खा रखे हैं, तो मेरी मौसी को ना आधा दुख तो यहीं पे लग गया हुआ, जमाई ने थेपले नहीं खाए करके। तो आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही था, मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो आज के लिए बाय।